दोस्तों आज हमारे वीडियो एडिटिंग की तीसरी क्लास है। मैंने आपको दूसरी क्लास में सिखाया था वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद है उसमें जो भी मिस्टेक्स या फिर जो भी गलतियां होती है उसे कैसे डिलीट करते हैं, कैसे रिमूव करते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बहुत कुछ सिखाया था। अगर आपने दूसरी क्लास का वीडियो नहीं देखा है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। आज की क्लास में आपको सिखाने वाला हूँ ऑडियो या फिर म्यूजिक के बारे में, दोनों एक ही चीज़ है। वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद वीडियो में ऑडियो कैसे रिमूव करते हैं, कैसे एड करते हैं, वीडियो के बैकग्राउंड में म्यूजिक कैसे लगाते हैं, वीडियो के बीच में अगर हमें कोई साउंड इफेक्ट लगाना हो तो कैसे लगाते हैं। जैसे आपने कॉमेडी वीडियो देखा होगा, कॉमेडी वीडियो में साउंड इफेक्ट का सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। जैसे कहीं हंसी का सॉन्ग है, मतलब एक वीडियो के अंदर जैसा एक्शन होता है उसके हिसाब से साउंड इफेक्ट कैसे लगाते हैं। तो आज मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं कि वीडियो रिकॉर्ड करते समय ऑडियो या फिर म्यूजिक रिलेटेड कोई भी आपको काम करना हो तो कैसे करते हैं। तो जानने के लिए इस वीडियो में इस लास्ट तक बने रहे, और आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन प्रेस कर दें। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपने कोई ऐसा वीडियो रिकॉर्ड किया हुआ है या फिर आपने कोई ऐसा वीडियो बनाया हुआ है उसके बैकग्राउंड में कोई म्यूजिक कैसे लगाते हैं। दोस्तों फिल्मोरा सॉफ्टवेयर मैंने यहाँ पे पहले से ओपन किया हुआ है। सबसे पहले यहाँ पे इंपोर्ट वाले बॉक्स में उस वीडियो को लेके आना है जिसमें कोई भी साउंड या फिर कोई भी म्यूजिक नहीं है। तो लाने के लिए यहाँ पे इंपोर्ट पे क्लिक करना है, और इसके नीचे यहाँ पे एक बटन दिया हुआ है इंपोर्ट मीडिया फाइल, इस पर क्लिक कर देना है। तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया, और वीडियो मैंने यहाँ पे सेव किया हुआ है डेस्कटॉप पर वीडियो एडिट वाले फोल्डर के अंदर। इस वीडियो के अंदर कोई भी ऑडियो या फिर म्यूजिक नहीं है, और यहाँ से इसे कर देता हूँ मैं ओपन। सभी वीडियो यहाँ पे आ गए। दोस्तों यहाँ पे वीडियो को टाइमलाइन में एड करने से पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे नीचे में दिया हुआ है ट्रैक है। देखिए यहाँ पे दो ट्रैक दिया हुआ है, ये पे वीडियो का है, ये देखिए ट्रैक नंबर वन, आपको यहाँ पे नंबर दिखाई दे रहा होगा, ये वीडियो का सिंबल है, और यहाँ पे दिया हुआ है वन, ये दिया हुआ है वीडियो टू। फिल्मोरा सॉफ्टवेयर के अंदर अगर हमें कोई वीडियो एड करना हो टाइमलाइन के अंदर या फिर कोई फोटो एड करना हो तो उसके लिए यहाँ पे यूज करते हैं हम ये वीडियो वाला ट्रैक है। तो यहाँ पे दो ट्रैक पहले से दिया हुआ है, और दोस्तों जब भी हमें कोई ऑडियो लेके आना हो, कोई म्यूजिक लेके आना हो, तो उसके लिए नीचे यहाँ पे दिया हुआ है म्यूजिक का ट्रैक है, ये देखिए यहाँ पे दिया म्यूजिक ट्रैक वन है। अगर हमें किसी वीडियो में दो म्यूजिक लगाना होगा तो हमें यहाँ पे एक म्यूजिक का ट्रैक और लाना होगा। तो लाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे एक बटन दिया हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ, मैनेज ट्रैक नाम से, इस पर आपको क्लिक करना होता है, ये देखिए। तो जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो इसके अंदर यहाँ पे दिया हुआ है एड वीडियो ट्रैक, और नीचे यहाँ पे दिया हुआ है एड ऑडियो ट्रैक है। अगर आपको एक से ज्यादा म्यूजिक यूज करना हो तो आप यहाँ पर एड ऑडियो ट्रैक पे क्लिक करेंगे। अगर आपको टाइमलाइन के अंदर एक से ज्यादा वीडियो या फिर फोटो एड करना होगा तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है एड वीडियो ट्रैक पर। यहाँ पर दो वीडियो का ट्रैक है और एक म्यूजिक का ट्रैक पहले से दिया हुआ है। वीडियो एडिटिंग करते समय अगर और भी जरूरत होगा तो यहाँ पे हम ले सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे यहाँ पे जो भी वीडियो दिया हुआ है इस पर क्लिक करके और ड्रैग करते हुए मैं यहाँ पे ले आया टाइमलाइन के अंदर, मैंने यहाँ पे वीडियो वन वाले ट्रैक को यहाँ पे ऐड कर दिया। और दोस्तों ये वीडियो काफी लंबा है तो यहाँ पे मैं क्लिक करके इसे कर देता हूँ कट, और इसके बाद का जो पार्ट है इसे कर देता हूँ डिलीट है। ऐसे ही यहाँ पे मैं और भी वीडियो यहाँ पे ऐड करके और इसमें से कुछ पार्ट यहाँ पे ले लेता हूँ ताकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और आप लोगों को जल्दी समझ में आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे ये इस वीडियो को ऐड करके इसे भी कर दिया मैंने डिलीट, और यहाँ पे इस वाले वीडियो को भी ऐड करके और इसका जो आगे का पार्ट है इसे भी कर दिया यहाँ पर डिलीट। अब मैं आपको इस वाले वीडियो को प्ले करके दिखाता हूँ, इसके अंदर कोई भी साउंड इफेक्ट नहीं है, ये देखिए मैंने इसको प्ले कर दिया तो आपने इसमें देखा कि यहाँ पे कोई भी साउंड इफेक्ट नहीं है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर साउंड इफेक्ट कैसे लगाते हैं। दोस्तों फिल्मोरा सॉफ्टवेयर के अंदर यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है ऑडियो का, ये देखिए यहाँ पे ऑडियो के अंदर बहुत सारे साउंड इफेक्ट दिए हुए हैं। अगर आपको अपने वीडियो के अंदर कभी भी आपको यूज करना होगा आप इस पर क्लिक करके यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने इस पर क्लिक कर दिया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके अंदर दिया हुआ है, यहाँ पर डाउनलोड के अंदर 421 म्यूजिक है, फिर यहाँ पर रिकमेंडेड में दिया हुआ है 500 जो काफ़ी इंपॉर्टेंट दिए हुए हैं, फिर व्हाट इज न्यू में यहाँ पे दिया हुआ है 228, और यहाँ पर नीचे म्यूजिक का फोल्डर इसके अंदर दिया हुआ है जिसमें 2281 म्यूजिक दिए हुए हैं। इसके अंदर बहुत सारे साउंड इफेक्ट है, अगर आपने कोई कॉमेडी वीडियो बनाया हुआ है तो नीचे यहाँ पर दिया हुआ है फनी, ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, इसके अंदर 31 साउंड इफेक्ट दिए हुए हैं। ऐसे पियानो है, फिर यहाँ पर कंट्री है, फिर क्लासिकल है, फिर एपिक है, या फिर गेम है। तो यहाँ पे जिस ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे वो साउंड इफेक्ट आपको मिल जाएगा। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि इन सभी का यूज करते कहते, देखिए यहाँ पे जो साउंड इफेक्ट दिया हुआ है इसे यूज करने से पहले आपको इसे प्ले करके देखना है। प्ले करने के लिए सिर्फ आप इस पर क्लिक करेंगे, ऐसे ही और भी साउंड इफेक्ट आपको देखना होगा आप इस पर क्लिक करेंगे। दोस्तों यहाँ पे म्यूजिक काफी अच्छा लग रहा है, अगर यूज करना होगा तो कुछ नहीं करना है, इस पर क्लिक करना है और ड्रैग करते हुए आपको यहाँ पे चलाना है ऑडियो वाले ट्रैक में। देखिए ये वीडियो वाले ट्रैक में नहीं जाएगा, ये ऑटोमेटिक चला जाएगा ऑडियो वाले ट्रैक में। और ये म्यूजिक काफी बड़ा है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये बहुत ही बड़ा म्यूजिक है, ठीक है।
तो आप इसे डिलीट भी कर सकते हैं, जो भी यहाँ पे लंबा दिया हुआ है ये इतना लंबा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे चला जाता हूँ यहाँ पर जहाँ तक हमारा वीडियो है, और यहाँ पे लास्ट में क्लिक करके और इसे यहाँ से करता हूँ मैं कट। और ये जो आगे का जो म्यूजिक का पार्ट दिया हुआ है, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो पार्ट है कुछ नहीं करना है, इस पर क्लिक करना है और कीबोर्ड से डिलीट की आपको प्रेस कर देना है। अब मैं आपको इसे प्ले करके दिखाता हूँ। दोस्तों इस तरीके से आप किसी भी वीडियो के बैकग्राउंड में म्यूजिक लगा सकते हैं, सिर्फ ओनली म्यूजिक। लेकिन दोस्तों अगर हमारे पास कोई वीडियो है जिसके ऊपर जैसे कॉमेडी वीडियो के अंदर हंसी का साउंड इफेक्ट होता है या बहुत सारे इफेक्ट होते हैं, उस टाइप का साउंड इफेक्ट कैसे लगाते हैं, तो यहाँ पे जो भी मैंने साउंड लिया हुआ है इसे कर देता हूँ यहाँ पे डिलीट। और एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें किस टाइप का साउंड इफेक्ट दिया हुआ है, जैसे फनी में चला गया, इस पर मैंने प्ले किया। ये कुछ कॉमेडी वाले साउंड इफेक्ट दिए हुए हैं, तो इनमें से अगर कोई यूज करना होगा तो आपको यहाँ पे कोई भी एक वीडियो ले आना है। जैसे यहाँ पे मैं इसी में से कोई एक वीडियो ले लेता हूँ, जैसे यहाँ पे ये वीडियो मैंने ले लिया, ठीक है। और इसके अंदर यहाँ पे कोई ऐसा मैं साउंड लगा देता हूँ जो काफ़ी लंबा होगा, जैसे यहाँ पे चला गया इस वाले ऑप्शन में और यहाँ से मैंने एक इफेक्ट लगा दिया, ठीक है, एक साउंड इफेक्ट लगा दिया। और यहाँ पर इस साउंड इफेक्ट को आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, जैसे मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। इसमें जो भी आवाज़ है अगर इसे हमें कम करना होगा तो नीचे यहाँ पे दिया हुआ ट्रैक है, ये देखिए इसे यहाँ से हम कम कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो बीच का लाइन है आप देख रहे हैं, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे हैंड बन के आएगा, इसे आपको नीचे की ओर ऐसे कर देना है। तो देखिए यहाँ पे साउंड कम हो गया। अब यहाँ पे इस वाले वीडियो के अंदर कहीं भी कोई भी साउंड इफेक्ट लगाना होगा, यहाँ मैनेज ट्रैक वाले बटन पे क्लिक करेंगे एक ऑडियो का ट्रैक लाने के लिए, तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया और नीचे कर दिया मैंने एड ऑडियो ट्रैक है। देखिए यहाँ पे एक बटन दिया हुआ है, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। नीचे आप यहाँ पे देख सकते हैं एक ऑडियो का ट्रैक आ गया। अब यहाँ पे एक और ऑडियो मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ। तो यहाँ पे जो साउंड इफेक्ट दिया हुआ है फनी साउंड इफेक्ट, मैंने इस वाले साउंड इफेक्ट पे क्लिक किया और नीचे यहाँ पे ड्रैग करके नीचे लगा दिया। अब मैं आपको इसे प्ले करके दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे दोनों साउंड इफेक्ट एक साथ चल रहा है, ठीक है। इसका आवाज मैंने कम कर दिया था और यहाँ पे इस नीचे मैंने जो साउंड इफेक्ट लगाया हुआ है ये फुल है। और ऐसे ही मान लीजिए मुझे यहाँ पर ये जो साउंड इफेक्ट नीचे जो लगा रखा है मुझे इसमें ज्यादा यूज नहीं करना है, सिर्फ थोड़ा सा यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे इसे मैं कट कर देता हूँ, इस पर क्लिक करना है और यहाँ से कट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके और जो आगे का पार्ट इसे कर दिया मैंने डिलीट है। मान लीजिए दोस्तों हमने कंप्यूटर के अंदर कोई ऐसा साउंड इफेक्ट डाउनलोड करके रखा हुआ है, उसका हमें यहाँ पे यूज करना है, जैसे कोई हंसी का साउंड हो या कुछ भी हो, तो कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आपको जाना है मीडिया पर, इंपोर्ट पे क्लिक करना है, इंपोर्ट मीडिया फाइल पे क्लिक करना है और जहाँ भी साउंड इफेक्ट आपने डाउनलोड करके रखा होगा, सेव करके रखा होगा, उसमें आपको जाना है। जैसे मैंने यहाँ पे साउंड का ये फोल्डर है इसके अंदर मैंने रखा हुआ है डाउनलोड करके, मैं इसमें चला गया। आप यहाँ पर सभी को ऐड कर दीजिए एक बार में, जो भी आपका साउंड इफेक्ट है, ठीक है। तो वहाँ पे प्ले करके देखेंगे तो आपको काफ़ी समय लगेगा, बस आपको यहाँ पे इसे प्ले करके देखना है कि ये किस टाइप का साउंड इफेक्ट है। इसमें सब को जो भी यूज करना होगा आपको यहाँ पे ड्रैग करना है और यहाँ पे ऐड कर देना है। जैसे ये कौन सा है, ये हंसी का साउंड इफेक्ट है, तो इसे मैं यहाँ पे इसे ऐड करता हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ पे नीचे में लेके जा रहा हूँ तो नहीं जा रहा है, तो अगर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, देखिए यहाँ पे ये जो बना हुआ है इसमें वीडियो भी है ऑडियो भी है, तो इस वाले वीडियो के अंदर जो ऑडियो दिया हुआ है इसे हम कैसे हटाते हैं, तो आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना है और इसमें यहाँ नीचे दिया हुआ है डी अटैच ऑडियो, ठीक है। वीडियो में से ऑडियो कैसे हटाते हैं, तो जैसे आप यहाँ पर डी अटैच ऑडियो करेंगे तो यहाँ पर ये ऑडियो जो है ये ऑडियो वाले ट्रैक में चला गया और जो वीडियो है ये वीडियो वाले ट्रैक में आ गया। तो यहाँ पर ये जो वीडियो है इसे मैं हटा देता हूँ, सिर्फ हमें यहाँ पे रखना है ऑडियो। तो यहाँ पर ये ऑडियो आ गया, अब मैं आपको इसे प्ले करके दिखाता हूँ। दोस्तों यहाँ पे आपको सिर्फ मैं डेमो दे रहा हूँ और इसी तरीके से जब आप वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, जब आप वीडियो एडिटिंग करेंगे, तो आपको इस तरीके से आपको साउंड इफेक्ट लगाना होता है। चलिए मैं आपको सिखाता हूँ कि आपके पास कोई ऐसा वीडियो है जिसमें ऑडियो पहले से दिया हुआ है, उसका ऑडियो हटा करके उसमें अगर कोई गाने का सॉन्ग यूज करना हो तो कैसे करेंगे। तो यहाँ पर मैंने कंट्रोल ए की प्रेस किया यहाँ पर टाइमलाइन के अंदर और डिलीट की प्रेस कर दिया। देखिए यहाँ पर सब कुछ डिलीट हो गया और यहाँ भी जो भी यहाँ पर दिया हुआ है मैंने कंट्रोल ए की प्रेस किया और इसे भी कर दिया डिलीट। अब यहाँ पर ना ही इम्पोर्ट में कुछ है और ना ही यहाँ पर टाइमलाइन में कुछ है, तो अब मैं यहाँ पर कोई भी एक वीडियो एड कर लेता हूँ जिसमें कोई भी एक साउंड दिया हो। मैं यहाँ इम्पोर्ट में इम्पोर्ट मीडिया फाइल और मैं यहाँ पर कुछ वीडियो मैंने रिकॉर्ड करके रखा हुआ है, ठीक है, अपने यहाँ पे फोल्डर में, अपने फोल्डर के अंदर यहाँ से कोई भी एक वीडियो लेता हूँ। जैसे यहाँ पे मान लीजिए ये वीडियो मैंने ले लिया। दोस्तों एक बात बताइए, अगर आपका फोन कहीं गुम हो गया या फिर चोरी हो गया। दोस्तों यहाँ पे जो वीडियो है इसके बैकग्राउंड में कोई भी म्यूजिक नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले मैं इसे एड कर देता हूँ टाइमलाइन में, ठीक है, और एक बार मैं आपको प्ले कर दिखाता हूँ। देखिए इसके अंदर कोई भी म्यूजिक नहीं है। दोस्तों एक बात बताइए, अगर आपका फोन कहीं गुम हो गया या फिर चोरी हो गया,
अगर आप YouTube के लिए, Instagram के लिए, Facebook के लिए कोई ऐसा वीडियो बनाते हैं जिसके बैकग्राउंड में अगर आपको म्यूजिक लगाना हो तो आप कैसे लगाएंगे? तो देखिए यहाँ पे जो मैंने वीडियो एड किया हुआ है ये वीडियो ट्रैक में है, तो जो भी म्यूजिक लगाना होगा आपको करना क्या है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं चला गया और इसमें से यहाँ पर कोई भी एक म्यूजिक फाइंड कर लेता हूँ। जैसे ये म्यूजिक मुझे काफी अच्छा लग रहा है, इसे मैं अपने वीडियो के बैकग्राउंड में यूज करना चाहता हूँ, तो कैसे करूंगा? तो नीचे यहाँ पे देखिए दो ऑडियो का ट्रैक दिया हुआ है, यानी कि दो म्यूजिक मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ। तो वीडियो तो यहाँ पे मैंने इंपोर्ट कर दिया है, म्यूजिक को एड करने के लिए आपको यहाँ म्यूजिक पे क्लिक करना है और ड्रैग करते हुए यहाँ पे ऑडियो ट्रैक में आपको छोड़ देना है। तो यहाँ पे बैकग्राउंड में जो हमने म्यूजिक लगाया हुआ है इसका आवाज हम काफी कम कर देंगे, तो कम करने के लिए आपको इस पर क्लिक करना है। ठीक है, बीच में देखिए यहाँ पे जो साउंड है इसके बीच में जो लाइन देख रहे हैं आप, यहाँ पे जब जाएंगे तो हैंड का ऑप्शन आएगा, इसे आपको नीचे की ओर ड्रैग कर देना है। ठीक है, ये कम हो गया और अब मैं आपको इसे प्ले करके दिखाता हूँ। दोस्तों एक बात बताइए, अगर आपका फोन कहीं गुम हो गया या फिर चोरी हो गया तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे? दोस्तों कोई भारत में प्रॉब्लम कैसे है? अगर आपको लगता है कि अभी भी साउंड ज्यादा है तो यहाँ पे और भी आप कम कर सकते हैं, आप अपनी मर्जी से साउंड को जैसे चाहे वैसे एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने और कम कर दिया और यहाँ पे अब मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे? दोस्तों कोई भारत में प्रॉब्लम कैसे है? तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको समझ में आ गया होगा कि वीडियो के बैकग्राउंड में कैसे म्यूजिक ऐड करते हैं, कैसे रिमूव करते हैं, कैसे एडिट करते हैं, या फिर कोई भी ऐसा वीडियो जिसके बैकग्राउंड में कोई भी म्यूजिक नहीं है उसमें कोई भी ऑडियो या फिर साउंड इफेक्ट कैसे लगाते हैं। तो अगर आपको वीडियो थोड़ा बहुत अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दें, और आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन प्रेस कर दें ताकि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर और भी नई वीडियो जैसे अपलोड करूँ आपको उसकी जानकारी सबसे पहले मिल सके। थैंक्स।